हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सरोज के किचन कॉर्नर में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही कम तेल से बनने वाला, प्रोटीन और फाइबर से भरा हुआ बाजरे का इंस्टेंट नाश्ता। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गुजराती चमचमिया। उसके लिए हम सबसे पहले ले लेंगे 1.5 कप बाजरे का आटा, जिसको कि हमने चलनी से छान लिया है, और साथ में ले लेंगे 1 कप बारीक कटी हुई हरी मेथी, जिसको कि हमने धो के और काट लिया है। 1/2 कप ले लेंगे हरा धनिया, जिसको कि हमने धो लिया है, और 1 चम्मच अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट है। 1/2 कप दही ले लेंगे, 1 छोटा चम्मच अजवाइन को ऐसे हाथों से क्रश करके और फिर डाल लेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी, नमक टेस्ट के अनुसार लीजिए, 2 चुटकी हींग ले लेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ले लेंगे और 2 चम्मच सफ़ेद तिल के दाने ले लेंगे, और इनको अच्छे से ऐसे पानी मिला के और इसका जैसे चिल्ले का घोल बनता है ना, बिल्कुल वैसा ही घोल बना लेंगे। जितना ज़रूरत हो उस हिसाब से आप पानी ले लीजिए। यहाँ पे मुझे 1/2 गिलास पानी लगा था घोल बनाने के लिए। और अब ले लेंगे 1/4 चम्मच मीठा सोडा, जिससे कि हमारे पैनकेक एकदम फूले फूले बनेंगे। और अब हम पैन में घी लगा के उसको चिकना कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और 1 चम्मच ऐसे घोल डाल के और उसको फैला देंगे। इसको आप पतला भी बना सकते हैं, मोटा भी बना सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी और एकदम फाइबर और प्रोटीन से भरा हुआ ये नाश्ता आप सुबह बना के दही और लहसुन की चटनी के संग या टोमेटो सॉस के संग खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगता है। ऊपर से इस पे हम सफ़ेद तिल छिड़क देंगे और इसे ढक के लो फ्लेम के ऊपर पकने देंगे। और जब ये ऐसे पक जाएंगे तो इन्हें हम पलट देंगे और दूसरे साइड से भी इसको ऐसे ही गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। देखिए कितने बढ़िया हमारे पैनकेक बन के तैयार हुए हैं। इन्हें हम ढक के और इस साइड से भी ऐसे ही 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। और ये देखिए हमारे पैनकेक तैयार हो गए हैं। इन्हें अब हम सर्व करेंगे। बहुत ही कम तेल से बनने वाला ये बाजरे का पैनकेक बनके तैयार है। ये पौष्टिक नाश्ता आप बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये गुजराती चमचमिया कैसे लगे। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।